नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून पेश होंगे ईडी पाखरो रेंज में घोटाले के मामले में पूछताछ हरक सिंह रावत से करने वाली है, जिसको लेकर समन उन्हें भी है। हरक इससे पहले भी नोटिस जा चुका है उन्हें पाखरो रेंज में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर। मैं जा रहा हूँ, बात करके फिर बताता हूँ। मैंने उत्तराखंड के एक अच्छे उद्देश्य के लिए पाखरो टाइगर सफारी बनाई और उत्तराखंड को रोजगार देने के लिए। अब ये आप मालूम है सब राजनीति बातचीत की थी, कहीं उनके उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक का एक शिकार बनाया जा रहा है। और क्योंकि पाखरो टाइगर सपोरा मामला जो कि क्या करते रहेंगे। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे सहयोगी बने हुए हैं। देखिए ये जो सत्येंद्र बर्थवाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दूसरे नोटिस जारी होने के बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपकी बातचीत का हमने अंश तो दिखाया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? देखिए गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, इस घोटाले में उनको घेरा जा रहा है, उनकी पार्टी और बीजेपी दोनों ही उनके ऊपर हमलावर हो रखी है इस चीज को लेकर, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से भी इस मुद्दे को लेकर कई और नेताओं ने अपने सुर ऊपर उठाए हैं। तो इस समय की अपडेट बताइए, बॉडी लैंग्वेज उनका कैसा था, क्या कुछ आज उनसे पूछताछ होने वाली है? बिल्कुल कंचन, क्योंकि आज हम बात जो पहले की अगर हम बात करें तो पहले एप्लीकेशन ईडी में दी थी कि कहीं न कहीं जो उस टाइम चल रहे थे लोकसभा चुनाव ने इनको एक नोटिस भेजा जिसमें आज हरक सिंह को यहां पेश होना था और हरक सिंह अभी यहां पेश हो गए हैं। अब ईडी करेगी टाइगर रिजर्व एक पूरा एक वो बनना था, उसको लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया था। घोटाला उनकी जो बहू है उनसे पूछताछ की, चाहे उनके नजदीकी जो और लोग हैं उनसे भी पूछताछ की, साथ ही जो फॉरेस्ट से जुड़े जो सभी, और अब आज पूछताछ होगी। हरक सिंह रावत भी यहाँ पहुंचे हैं और अभी ईडी के दफ्तर में वो पहुंचे हैं। जी, रजिस्ट्री के मामले में ईडी ने देहरादून समेत देश के कई राज्यों में 17 लोकेशन पर छापेमारी की संपत्ति जब्त की है। इसके साथ ही फर्जी रजिस्ट्री दस्तावेज। शंकर आनंद मेरे सहयोगी इस समय फोनलाइन पर मौजूद है, कितनी संपत्ति जब्त है शंकर आनंद? तकरीबन 1.5 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि जो प्रमुख आरोपी हैं उनके लोकेशन से तकरीबन 58 लाख से ज्यादा के ज्वेलरी और गोल्ड जो है वो बरामद किया गया। इसके साथ ही 11 लाख रुपए के बैंक बैलेंस को भी फ्री ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। और इसके साथ ही जिस तरह से जांच एजेंसी और इसके तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, राजधानी हथियार, इसके लुधियाना के गुवाहाटी सहित उत्तराखंड में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से फर्जी रजिस्ट्री घोटाला मामले का जो कनेक्शन मूल रूप से सहारनपुर से जुड़ा हुआ था, और पिछले साल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद उस लोकेशन पर गए थे और वहां पर जाकर के इस मामले पर तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करने की कार्रवाई की मांग वहां पर आदेश दिया था उन्होंने। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 18 से 20 FIR और इसके साथ साथ दिनों में पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चमोली के गण घरों में मलबा घुस गया है, 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके साथ ही एक प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। खबर चमोली से है, जहां बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागलनाला छिनका नंदप्रयाग के पास में रास्ता बंद हो रखा है। अगले कुछ घंटे और तेज बारिश होने के आसार हैं। पहाड़ों में तेज बारिश होगी, इसका पूर्वानुमान जता दिया गया है। डाबरकोट के पास में पहाड़ी से मलबा आया है और साथ में पत्थर आए हैं जो कि पूरे हाईवे पर देख सकते हैं। सुबह से यात्री यहां फंसे हुए हैं, PWD हाईवे को खोलने का काम हो चुका है। में बारिश से राहत नहीं दे रही है। बागेश्वर और देहरादून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। विक्रम सिंह चौहान है, सर ये जो स्थितियां अब बनी है, अचानक से ये लग रहा था कि मॉनसून एंड हो चुका है, धूप निकल रही थी और उसकी वजह से हमारे तापमान थे वो 4 से 5 डिग्री तक जो है सामान्य से ऊपर आ गए थे। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तो जैसे ही मॉइस्चर फिर हमको मिलनी शुरू हो जाती है तो थंडरस्टॉर्म एक्टिव मिल जाती है। गांव के और भी डिस्ट्रिक्ट है, चमोली है, तो इनमें हमने फेयरली वाइड स्प्रेड तक एक्टिविटी, लेकिन जो बारिश मिली है वो वेरी हैवी तक भी मिली है। भारी से भारी बारिश हो उस और सतर्क रहें। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून।
पर खतरा मंडरा रहा है। तेज बहाव से पुल को नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पुल टूटने की कगार पर 16 सड़कें मलबे में आने से बंद हैं। ऐसी बारिश अभी चलते रही बिजला दानपुर में, तो आने वाले 2-3 घंटे में ये पुल, तो जिससे इधर उधर जाना रहता था। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर में कांडिया की खदानें हैं, जिसमें बड़ी मशीनों से खनन का काम किया जाता था। लोगों का इलाका मतलब जाने वाला है झुकाव हो गया, अन्नपूर्णा से लेके नीचे बजीना तक अंधेरा है। अभी ये तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। 2009 से अगर आप मेरे कागज देखेंगे तो मैंने हर कापी की फोटो से रखी हुई है। तो हम यहाँ पर मकान ही क्यों बनाते, जब से खड़िया खान खुली है, जब से ये मशीनें चली इसी की वजह काम अभी बंद है। लेकिन पहले हुए काम की वजह से प्राचीन कालिका मंदिर भी खतरे की जद में है। गांव वालों का कहना है कि गांव के हालात के बारे में कई बार प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं प्रशासन सर्वे के बाद काम करने की बात कर रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत उस क्षेत्र में माइनिंग को बंद करा दिया गया है और वर्तमान में भी माइनिंग बंद ही है, क्योंकि मकान में जो दरारें आ रही हैं उसकी जांच करा रहे हैं। कांडा में खड़िया खनन की वजह से लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं, इसके रहने को मजबूर हैं। 18 के लिए बागेश्वर से सुषमा की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के आराकोच में पिकअप पलट गई है और खस्ता हाल सड़क होने की वजह से ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं, पर शिकार हुई है। लगातार हो रही हादसों की वजह से लोगों में प्रशासन के खिलाफ। श्रद्धांजलि देनी है, साथ ही आपको बताएं कि 2 सितंबर यानी कि आज उत्तराखंड में ठोस भू कानून और मूल पत्र का एसएन में यूकेडी समेत विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। पत्र की जगह स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में लंबे आंदोलनकारी इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों ही मुद्दों पर स्पष्ट नीति ना होने के कारण प्रदेश के जल जंगल जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। रविवार को गैरसैंण में धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर विरोध जताया गया और हमने मांग करी है कि अविलंब उत्तराखंड के परिस्थिति को देखते हुए सरकार सख्त भू कानून लागू करे, मूल निवास लागू करे और राजधानी गैरसैंण घोषित करे, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो उत्तराखंड के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये जमीनें कांग्रेस ने कहा कि मूल निवास और भू कानून जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई ठोस नीति ना बना पाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को ही समस्या की असली जड़ बता दिया। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओपन फॉर ऑल करके सबके लिए खोल कर भू कानून समाप्त करके निश्चित रूप से इस राज्य के मूल निवास करने वाले लोगों के भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया। हमारी मांग है कि हिमाचल से भी कठोर भू कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए। कांग्रेस इस पर प्रदर्शन नहीं कर रही है, कांग्रेस इस प्रदर्शन में घुस रही है। कांग्रेस चाहती है कि उस मुद्दे को लपक के फिर आगे चल के चुनाव में उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो इस पर तो पूरा जो हमारा यूथ है और क्षेत्र के लोग हैं वो आंदोलित हैं। आपने देहरादून में भी एक बानगी उसका दृश्य देखा है। ये बनाई गई कमेटी सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट शासन को भी गठित की, लेकिन समिति की रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आ पाई, लिहाजा मूल नील नव प्रभात की रिपोर्ट। साइबर क्राइम करने की फिराक में रहते हैं, साइबर फ्रॉड को अंजाम देते रहते हैं। साइबर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर खोला जाने की तैयारी है। इसके लिए पुलिस नई पुलिस जवानों को साइबर एक्सपर्ट्स के साथ नए नए साइबर अपराध, इसका ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और इसका कभी केदार वो ट्रेंड में यानी यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी मुकेश बोरा के एक्शन शुरू हो गया है। दुग्ध संघ अध्यक्ष की कुर्सी भी बोरा पर कार्रवाई के लिए वहीं आपको बताएं कि 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। हर की पैड़ी की तस्वीरें हरिद्वार से। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। बहुत अच्छा लगा जी, अभी 3-4 डुबकियां लगा चुका हूँ और कितना अच्छा लगता है, बहुत आनंद आया है।
आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के पहुंचने का नजर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसका विशेष महत्व है, सुबह 4 बजे से श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य अर्जित पर आ गया है पागल नाला और आवाजाही से बंद हो गई है। तस्वीरों में चहलकदमी करता हुआ देखा जा सकता है, तेंदुआ अंधेरे में छिपा गुलदार का आतंक आम बात हो गई है। लेकिन अगर हम कहें कि उत्तराखंड में गुलदार से ज्यादा इंसानी मौत सांपों के कारण, उत्तराखंड में गुलदार हाथी भालू जैसे जंगली हमलों में 103 लोगों की मौत हुई और 400 इससे परेशान। वन विभाग ने अब नया तरीका अपनाया है, वन विभाग ने एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जा सके। रसेल वाइपर और सास केल्ड वाइपर के काटने की दवा का काम करता उत्तराखंड अनेक स्थानों पर ये एंटी वेनम उपलब्ध कराया है ताकि आने पर के साथ ऐसी दुर्घटना हो कि कोई सांप के परेशानी के दवा उपलब्ध हो जाए